छोटी बहन एनी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उनके माता पिता का देहांत जल्दी हो गया था, इसलिए बच्चों को अपनी सौतेली माँ के साथ रहना पड़ा। वो एक चुड़ैल थी और वो हेला नाम की अपनी बेटी के साथ रहती थी, जो एक आंख से अंधी थी। सौतेली माँ एल्डन और एनी के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी। हेला इस बात से बहुत खुश थी। एल्डन और एनी को हमेशा घर का सारा कठिन काम करना पड़ता था। एक तरफ चुड़ैल और उसकी बेटी स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेते थे, तो दूसरी तरफ एल्डन और एनी को कठिन काम करने के साथ साथ रूखा सूखा भोजन करना पड़ता था। रात में चुड़ैल और उसकी बेटी एक खूबसूरत कमरे में आरामदायक बिस्तर पर सोते थे। वहीं दूसरी तरफ एल्डन और एनी को गंदे रसोई घर में घास के ढेर पर सोना पड़ता था। जब दोनों की सहन शक्ति खत्म हो गई, तो दोनों ने भागने की योजना बनाई। जब से हमारे माता पिता का देहांत हुआ है, हमने कभी अच्छा समय नहीं देखा। हर दिन हमारी सौतेली माँ हमें मारती है और कठिन काम करने के लिए हमें मजबूर करती है। कृपया रो मत। आज रात को जब चांद निकलेगा, हम दोनों कहीं भाग जाएंगे। हम बहुत मेहनती हैं, इसीलिए हम कहीं भी रह सकते हैं। उस रात बच्चे चुपके से एक साथ भाग निकले, जब चुड़ैल गहरी नींद में सो रही थी। वो खेतों के रास्ते से भागे, नदियों को पार किया और चांद की रोशनी में पहाड़ों पर चढ़े और उतरे। चलते चलते वो बहुत दूर निकल गए और फिर एक जंगल में पहुँचे। वो दोनों बहुत थक चुके थे। उन दोनों ने एक बड़े पेड़ के नीचे आराम किया और फिर सो गए। सुबह उठने पर चुड़ैल को पता चला कि बच्चे भाग गए हैं, तो उसने गुस्से में कांच के जादुई गोले को उठाया और जादू से देखने की कोशिश की, और उसे पता चल गया कि बच्चे एक गहरे जंगल के अंदर भाग गए हैं। उसने जंगल की सभी नदियों पर जादू कर दिया कि जो भी इस नदी का पानी पिएगा वो जानवर बन जाएगा। सुबह होने पर दोनों बच्चों ने रहने की जगह खोजने के लिए यात्रा जारी रखी। एनी, मुझे प्यास लग रही है। मैंने यहाँ एक झरने की आवाज सुनी है। चलो आराम करने और पानी पीने के लिए झरने को ढूंढते हैं। हाँ, चलो। फिर एल्डन और एनी एक साफ नदी के पास पहुँच गए। एल्डन बहुत प्यासा था, वो पानी पीने के लिए झुका। अचानक लहरों में से एक आवाज आई, जो भी इस पानी को पिएगा वो शेर बन जाएगा। एनी ने तुरंत एल्डन को पानी पीने से रोका। भैया, ये पानी मत पियो, अगर तुम शेर बन गए तो मुझे नहीं पहचान पाओगे। ठीक है, मैं अगली नदी का इंतजार करूंगा। फिर वे दोनों आगे चलते रहे और एक और नदी के पास पहुँचे। एल्डन बहुत प्यासा था, तो वो पानी पीने के लिए झुका। तभी अचानक लहरों में से एक आवाज आई, जो भी इस पानी को पिएगा वो भेड़िया बन जाएगा। एनी ने फिर एल्डन को तुरंत रोका। भैया, ये पानी मत पियो, अगर तुम एक भेड़िया बन जाओगे तो मुझे नहीं पहचान पाओगे। ठीक है, मैं अगली नदी के आने तक इंतजार करूंगा। अगली बार तुम मुझे रोक नहीं सकोगी। मैं बहुत प्यासा हूँ और मेरा गला बहुत सूख रहा है। आगे चलते हुए उन्हें एक और नदी दिखी। एल्डन बहुत प्यासा था, वो पानी पीने के लिए झुका। तभी नदी की लहरों में से एक आवाज आई, जो भी इस पानी को पिएगा वो एक हिरण बन जाएगा। भैया, ये पानी मत पियो, तुम हिरण बन जाओगे और मुझे पहचान नहीं पाओगे। लेकिन एल्डन बहुत प्यासा था, इसलिए अपनी बहन की बात अनसुनी करके उसने पानी पी लिया और तुरंत एक हिरण में बदल गया। हे भगवान, ये मुझे क्या हो गया, मैं एक हिरण बन गया। एनी, कृपया मदद करो। एनी अपने भाई को देखकर रोने लगी। एल्डन, जो कि एक हिरण बन गया था, वो भी उसके साथ रोने लगा। एल्डन, चिंता मत करो, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। हिरण ने दुखी होते हुए अपना सिर हिलाया। एनी ने घास की एक रस्सी बनाई और हिरण के गर्दन में बांध दी और उसे अपने साथ लेकर चलने लगी। जब वे एक जंगल में पहुँचे, तो उन्हें एक खाली घर दिखाई दिया। दोनों बहुत हैरान हुए। ओह, कितने लकी हैं हम, एक खाली घर, हम यहाँ रह सकते हैं। एल्डन एल्डन ने अपनी बहन को देखा और खुशी में सिर हिलाया। एनी ने दोनों के लिए एक गर्म गद्दा बनाने के लिए घास फूस और पीले पत्ते फैलाए। हिरण एल्डन आराम से लेट गया और एनी भी बहुत अच्छी तरह से सो गई।
हर दिन एनी जंगल में ताजा घास, शाहबलूत और दोनों के खाने के लिए फल लेने के लिए जाती थी। उनका जीवन जंगल में बहुत शांति और खुशी से बीत रहा था। एक दिन युवा राजा नोलान ने अपने सेवकों के साथ एक बड़े शिकार की तैयारी की। वे अपने घोड़ों को एक साथ जंगल में ले गए। वो भोंपू बजा रहे थे, चिल्ला रहे थे और खूब हंस रहे थे। भोंपू की आवाज सुनकर एल्डन खुद को रोक नहीं पाया। मुझे कहीं से भोंपू की आवाज आ रही है। आहा, कितना रोमांचक लग रहा है। बहन, मुझे भी बाहर उन शिकारियों के साथ जाना है। तुम्हें नहीं जाना चाहिए भैया, वो शिकारी तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। फिर मुझे नहीं पता मैं क्या करूंगी। मेरी प्यारी बहन, मैं पूरे दिन घर में रहकर ऊब गया हूँ। चिंता मत करो, यकीन करो वो शिकारी मुझे नहीं पकड़ पाएंगे। ठीक है, तुम जा सकते हो, पर सावधान रहना। मैं घर पर ही रहूंगी, उन शिकारियों से बचने के लिए दरवाजा बंद कर लूंगी। जब तुम आओगे तो दरवाजा खटखटाना और बोलना, मेरी बहन कृपया दरवाजा खोलो, मैं फिर तुम्हारे लिए दरवाजा खोल दूंगी। ठीक है। एनी ने अपने भाई को सावधान रहने के लिए कहा, फिर घर में गई और दरवाजा बंद कर लिया। हिरन खुशी से जंगल में भागने लगा। एल्डन कई दिनों के बाद घर से बाहर जाने पर बहुत खुश था। वो झाड़ियों में छिप गया और शिकारियों को मजे से देखने लगा। वो इतना खुश था कि युवा राजा नोलान के सामने कूद पड़ा। राजा बहुत हैरान था और सुंदर हिरन में रुचि दिखाने लगा। जाओ उस सुंदर हिरन को मेरे लिए लेकर आओ। नोलान और उसके सेवक उत्साहित होकर हिरन का पीछा करने लगे। एल्डन बहुत तेजी से भागा। धीरे धीरे सेवक थक गए और पीछे रह गए। सिर्फ युवा राजा ही हिरन का पीछा करता रहा। ये शिकारी बहुत धीरे हैं। ये मुझे पकड़ नहीं पाएंगे। खैर, अब मैं अपनी बहन के पास घर जाऊंगा। कल मैं फिर से खेलने बाहर आऊंगा। एल्डन को नहीं पता था कि नोलान उसका अभी भी पीछा कर रहा था। नोलान ने उसका पीछा किया और जंगल के बीच में एक छोटे घर को देखा। वो ये देखकर भी हैरान था कि सुंदर हिरन दरवाजे को खटखटा रहा है। मेरी बहन, कृपया मेरे लिए दरवाजा खोलो। दरवाजा खुला और एनी बाहर आ गई। वो झुकी और एल्डन को खुशी खुशी गले लगाया। अच्छा हुआ तुम वापस आ गए, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। चिंता मत करो, मैं बहुत तेज हूँ, वो शिकारी मुझे कभी नहीं पकड़ पाएंगे। नोलान ने जब एनी को उस घर में देखा तो उसे पहली नजर में एनी से प्यार हो गया। वाह, ये लड़की कितनी सुंदर है, लगता है मुझे उससे प्यार हो गया है। युवा राजा कुछ देर सोचता रहा, फिर अपने सेवकों को आदेश दिया, कल तुम दोनों को जब वो हिरण दिखाई दे तो उसका पीछा करना, पर उसको चोट मत पहुंचाना। अगले दिन एल्डन फिर से खेलने के लिए बाहर गया। नौकरों ने राजा के आदेश के अनुसार उस सुंदर हिरण का पीछा करने की कोशिश की। इसी बीच राजा नोलान ने घर में जाकर दरवाजा खटखटाया। ठीक वही शब्द बोले जो हिरण ने एक दिन पहले कहे थे। मेरी बहन, कृपया मेरे लिए दरवाजा खोलो। जब एनी ने दरवाजा खोला, वो ये देखकर हैरान थी कि उसका भाई कहीं नहीं था, बल्कि एक युवा सुंदर और शक्तिशाली राजा उसके सामने था। पहली बार मिलते ही एनी को नोलान से प्यार हो गया। तुम कौन हो? मेरा भाई कहाँ है? वो हिरण तुम्हारा भाई है, चिंता मत करो, वो बिल्कुल सुरक्षित है। मैं नोलान हूँ, इस राज्य का राजा हूँ। नोलान ने एनी के हाथ पकड़ लिए। इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की, मुझे तुमसे पहली ही नजर में प्यार हो गया था। क्या तुम मेरी रानी बनने के लिए मेरे साथ महल में चलोगी? मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरे भाई को मेरे साथ आने की अनुमति दीजिए। वो एक चुड़ैल के श्राप में फंसा हुआ है, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। चिंता मत करो, तुम्हारे भाई का ध्यान रखा जाएगा और वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। फिर एनी और हिरन को महल में ले जाया गया। नोलान और एनी की बड़ी धूमधाम से शादी हुई और एनी रानी बन गई। हिरन एल्डन भी इसमें शामिल हुआ
और अपनी बहन की खुशी से बहुत खुश था। वो एक बड़े बगीचे में आराम से दौड़ और खेल भी पा रहा था। एनी भी हिरन के साथ खेलती थी और उसका बहुत ख्याल रखती थी। वो दोनों महल में बहुत सुखी थे। दूसरी तरफ सौतेली माँ को लग रहा था कि एल्डन और एनी जंगल में खो गए हैं, लेकिन वो ये जानकर बहुत हैरान और गुस्सा हुई कि वे दोनों महल में सुख से रह रहे थे। माँ, मुझे रानी बनना चाहिए। चिंता मत करो, तुम रानी बन जाओगी। मेरे पास एक योजना है। चुड़ैल और उसकी बेटी ने महल में घुसने के लिए नौकरानी का रूप धारण कर लिया और एनी के कमरे में पहुंची। महारानी, हम आपका नाश्ता लाए हैं। अंदर आ जाओ। चुड़ैल और हेला एनी के कमरे में चले गए। एनी अपनी सौतेली माँ और बहन को देखकर बहुत हैरान रह गई। चुड़ैल ने तुरंत जादू करके एनी को बेहोश कर दिया और एक घने जंगल में ले गई। उन्हें यकीन था कि वो घने जंगल में हमेशा के लिए खो जाएगी। जब ये जागेगी तो हमेशा के लिए घने जंगल में खो चुकी होगी। और मैं इसकी जगह रानी बन जाऊंगी, अब बस इंतजार नहीं होता। लेकिन जब हेला ने रानी का भेष बनाया तो वो बहुत बदसूरत लग रही थी। चुड़ैल के पास हेला की काणी आंख को छुपाने का कोई रास्ता नहीं था। उसने अपनी बेटी से कहा कि अपना चेहरा दीवार की तरफ रखे और शरीर को कंबल से ढक ले। फिर राजा कमरे में आया। मैं तुमसे मिलने आया हूँ रानी, क्या हुआ है तुम्हें? महाराज, रानी को एक संक्रामक रोग हो गया है और वो अभी थकी हुई है। कृपया आप बाहर जाइए, वरना आपको भी ये रोग हो जाएगा। ठीक है, मैं बाहर जाता हूँ। आराम करो और जल्दी ठीक हो जाओ। जब एनी को होश आया तो वो खुद को जंगल में देखकर हैरान रह गई। एनी ने रास्ता खोजने की कोशिश की, लेकिन जितना ज्यादा वो चलती रही वो उतना ही जंगल में खोती जा रही थी। अचानक उसे पेड़ों के पत्तों में एक जगमगाती रोशनी दिखाई दी। करीब जाने पर एनी को एक रंगीन तितली जाल में फंसी दिखाई दी। ओह, कितनी प्यारी तितली है। एनी ने तितली को जाल में से निकाला और उड़ने दिया। तितली उसके चारों ओर उड़ती रही और एक खूबसूरत परी में बदल गई। एनी बहुत हैरान थी। मुझे बचाने के लिए शुक्रिया, मैं परी हूँ। मैं खेलना चाहती थी इसलिए एक तितली बन गई और इन झाड़ियों में फंस गई। तुम कौन हो? इस जंगल में खो गए हो? मैं इस राज्य की रानी हूँ। मुझे चुड़ैल और उसकी बेटी ने नुकसान पहुँचाया, इसलिए मैं जंगल में खो गई। क्या तुम मेरी वापस महल जाने में मदद कर सकती हो? जरूर, मैं तुम्हें चुड़ैल से निपटने के लिए एक उपहार दूंगी। फिर परी ने एनी को एक सुनहरी घंटी दी। मेरी सुनहरी घंटी है, जब भी तुम मुसीबत में होगी इसे बजाना, मैं फौरन तुम्हारी मदद के लिए आ जाऊंगी। परी ने खुशी खुशी एनी को जंगल से बाहर जाने का रास्ता दिखा दिया। एनी ने उसे धन्यवाद दिया और दयालु परी को अलविदा कहकर महल में चली गई। कुछ दिनों तक जब एनी उससे मिलने नहीं आई तो एल्डन को लगा कि कुछ गड़बड़ है। एल्डन महल में घुस गया और रानी के कमरे तक पहुंचा और वहां चुड़ैल और उसकी बेटी के बीच में होने वाली बातचीत सुनी। माँ, मुझे पूरा दिन इस कमरे में क्यों रहना है? मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सब्र करो मेरी बेटी, मैं कोशिश कर रही हूँ कि तुम एनी की तरह दिखो और रानी बन जाओ। बहुत बढ़िया माँ, पर अगर एनी वापस आ गई तो? तुम इसकी चिंता मत करो, जंगल इतना बड़ा है कि वो कभी बाहर नहीं निकल पाएगी। क्योंकि एल्डन सिर्फ एक हिरन था, वो चुड़ैल और उसकी बेटी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता था। उसे बहुत गुस्सा और रोना आया। एल्डन रसोई के कोने में ही घास के ढेर पर लेट गया और रोने लगा। फिर थोड़ी देर में वो सो गया। सोते समय एल्डन को लगा कि कोई उसकी पीठ को सहला रहा है। उसने आंखें खोली तो अपनी बहन एनी को देखा। एल्डन, भगवान का शुक्र है एनी, तुम वापस आ गई। ये बहुत अच्छा हुआ, मैं तुम्हें लेकर बहुत परेशान था। एनी ने एल्डन को पूरी बात बताई।
एल्डन ने ध्यान से सब सुना और वो चुड़ैल की बुरी हरकतों को सुन बहुत नाराज हुआ। एनी और एल्डन हमेशा की तरह एक दूसरे से टिककर शांति से सो गए। अगली सुबह एल्डन ने एनी को नौकरानी के जैसे कपड़े पहनकर चुपके से रसोई में छिपने के लिए कहा। इस बीच एल्डन राजा नोलैन को खोजने गया, जो शाही बगीचे में दृश्यों का आनंद ले रहा था। एल्डन, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रानी के कमरे में जो लड़की है वो मेरी बहन नहीं है। क्या? मुझे लगा रानी की तबीयत खराब है और वो कमरे में आराम कर रही है। वो एक गंदी चुड़ैल और उसकी बेटी है, उसका नाम हेला है। तो फिर असली रानी कहाँ है? वो रसोई में छिपी है, उसे नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गयी। कृपया मेरे पीछे आइए। एल्डन जल्दी से राजा को रसोई में ले गया। यहाँ वो एनी से मिला और दोनों ने तुरंत एक दूसरे को पहचान लिया और एक दूसरे को खुशी से गले लगाया। फिर राजा ने तुरंत नकली रानी को महल में बुलाया। एनी को राजा के पास खड़ा देखकर चुड़ैल और उसकी बेटी चौंक गए। पहरेदार कहाँ है? इस चुड़ैल और इसकी बेटी को गिरफ्तार करो और इन्हें जिंदगी भर के लिए जेल में डाल दो। तुम मुझे कैसे गिरफ्तार कर सकते हो? एक जादूगरनी को? तभी एनी को याद आया कि परी ने उसे एक सुनहरी घंटी दी थी। उसने जल्दी से घंटी निकाली और बजाया। घंटी बजते ही सुंदर और शक्तिशाली परी उसके ठीक सामने प्रकट हो गई। परी ने अपने जादुई छड़ी घुमाकर चुड़ैल का जादू छीन लिया और चुड़ैल अपनी सारी ताकत खोकर बेहोश हो गई। एल्डन के ऊपर से भी चुड़ैल का शाप तुरंत खत्म हो गया और वो एक इंसान में बदल गया। सभी बहुत खुश थे। बहुत बढ़िया, एल्डन शाप खत्म हो गया। पहरेदारों ने चुड़ैल और उसकी बेटी को कैद कर जेल में डाल दिया। नोलैन, एनी और एल्डन ने शक्तिशाली परी को धन्यवाद किया और अलविदा कहा। इसके बाद एल्डन महल में ही राजा नोलैन और अपनी बहन एनी के साथ रहने लगा। उन्होंने राज्य पर एक साथ शासन किया और खुशी खुशी रहने लगे।